स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। चल मेरे साथ, चल। कोकिला, आप सब यहां? गोपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? माझी, वो ये वो क्या कर रही हो गोपी बहू? मैंने तुमसे साफ साफ एक छोटा सा सवाल पूछा है और मैं चाहती हूं कि तुम उसका सच सच जवाब दो। वहां कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? अश्विन, ये राशि थी, इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। क्या तुमने वो? मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, ये सब इस गोपी का किया धरा है। वो अपना किया धरा मुझ पे थोपना चाहती है। मम्मी जी, आप तो जानती हैं ना कि पूर्णमासी की पूजा तो मैंने ही रखवाई थी, तो उसे बिगाड़ कर मैं भला पाप की भागीदार क्यों बनना चाहूंगी? ये सब गोपी ने ही किया है, वही इस तरह की गलतियां करती रहती है। राशि, सच सच बताओ, सोच समझ कर तुम वहां थी या नहीं? या नहीं? हाँ, मैं वही थी। सुन लिया ना? नहीं नहीं, वो जब मणि वहां पहुंची तब मैं वहां से निकल गई थी। गलत गलत, झूठ बोल रही हूं। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने वो चने कुकर से नहीं निकाले थे। सुना आप लोगों ने? कुकर, मैंने तो कुकर कहा ही नहीं, मैंने कुकर का नाम तक नहीं लिया, तो तुम्हें कैसे पता? झूठ बोल रही हो तुम। वो मम्मी जी, मैंने कुकर इसलिए कहा क्योंकि कुकर अगर खाली होगा तभी तो वो फटा होगा ना, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था काकी जी, गोपी उस कुकर में चने अपने हाथों से डाल रही थी, तो अगर वो कुकर खाली था तो मतलब किसी ना किसी ने तो कुकर से चने निकाले ही होंगे ना। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, वो मणि वहां किचन में पहुंची तभी मैं वहां से निकली।
चल राशि। नहीं काकी जी, चल काकी जी मेरी बात तो सुनिए, चल राशि। मम्मी जी, मणि। मम्मी जी, मणि। जी जी नानी भाभी, एक बात बताओ मणि, कल जब तुम पूजा की तैयारी बा के साथ कर रही थी तब तुम रसोड़े में गई थी? हाँ नानी भाभी, मैं हल्दी लेने गई थी, पर तब तो वहाँ राशि भाभी भी थी। हाँ लेकिन वो चली गई थी। क्या तुमने चने कुकर से निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया? नहीं नानी भाभी, भला मैं ऐसे क्यों करूंगी, मैं तो हल्दी लेकर वहाँ से तुरंत चली जाती, पर फर्श पर जूस पड़ा हुआ था और मैं उसे साफ करने लगी। अरे हाँ, ये तो राशि थी जिसने जानबूझकर मेरी साड़ी पर जूस गिराया, है ना राशि, ताकि मुझे दोबारा नहाने जाना पड़े। और मैंने तुमसे कहा था कि तुम फर्श पर गिरा जूस साफ करो, तुमने हाँ बोला, लेकिन अगर तुमने वो जूस साफ नहीं किया तो तुमने रसोड़े में क्या किया? जवाब दो। देखा, सारा मामला साफ हो गया। ओहिला, हम ये बातें बाद में भी तो कर सकते हैं। क्यों मोटा भाभी, क्यों करें बाद में ये बात? मेरी जान पर आन पड़ी थी, जिसने गलती की है सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। पहले मेरी गोपी वहू घर छोड़कर जा रही थी, अब राशि घर छोड़कर जाएगी। नहीं काकी जी, मम्मी जी, चुप। एकदम चुप। हेलो जोयू, निकली गयो ने काटो, गोपी राजगद्दी से उतरी नहीं और मेरी बेटी उस पर चढ़ी। हाय हाय, आज हूँ कितनी खुश छू। बस गोपी का ही इंतजार कर रही हूँ, जैसे ही उसने इस घर में पांव रखा नहीं कि मैंने भी उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मम्मी मम्मी प्लीज बस करो, राजगद्दी तो दूर की बात है, यहाँ तो इस घर से मुझे निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अरे अरे, पर कल ही तो मैंने तुझे एक दूसरा नुस्खा दिया था, क्या वो भी उल्टा पड़ गया? वो सब उस चुड़ैल कांगड़ी के वजह से हुआ है, वो न जाने उसके हाथ में कल के सड़े हुए चने कैसे लग गए, और वो तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि ये कांड गोपी ने किया है। मम्मी और तो और, अब तो गोपी के मुंह में भी जमाद आ गई है, कहती है कि किचन से जब वो निकली तब कुकर गैस पे था और वहां मैं थी। मम्मी आपको पता है, उसके बाद उस चुड़ैल कांगड़ी ने तो सीधे ऑर्डर ही दे दिए, इस घर से मुझे निकाला जाएगा, मुझे। चुप रहे, एक मिनट कुछ सोचने दे, मेरी बात सुन, ये रोना बंद कर, अपने ये आंसू अपने पति के लिए रख, और एक बात गोपी के लिए भी सुन ले, राशि कहाँ जा रही हो तुम?
जिगर जी, जिगर जी, काकी जी को समझाइए ना, वो मुझे घर से बाहर निकाल रही है, अपने माँ के घर भेज रही है। मैंने किया क्या है जिगर जी?